आज के वीडियो का विश्लेषण क्या होगा? एक ऐसा फंड जो SBI म्यूचुअल फंड का काफी बेहतरीन फंड है और अपने कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ, मैं SBI कॉन्ट्रा फंड की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में हम विश्लेषण जानेंगे। दूसरा जो पॉइंट है हम कवर करेंगे, ऐसे म्यूचुअल फंड का लमसम जो है टेम्परेरी सस्पेंड हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सलूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप लमसम कॉल के थ्रू अपना प्रॉफिट, म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपके सामने डाटा रखूं तो मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के तीन ऐसे फंड जहां पे टेम्पररी लमसम सस्पेंड हुआ है। अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में 2023 मार्च के महीने में लमसम का विंडो ऐसे म्यूचुअल फंड में ओपन होता हुआ देखने को मिला था, लेकिन फिर से यहाँ पे लमसम टेम्पररी सस्पेंड हुआ है। कौन कौन सा फंड है मैं आपके सामने डाटा रख देता हूँ। यहाँ पे जो फंड है मिराय एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड, मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड, मिराय एसेट हैंग सेंटेक ETF फंड ऑफ फंड। ये तीन ऐसे फंड है जिसमें अभी लमसम का विंडो क्लोज हो चुका है। मैं पहले ही बता दूं कि टाइम टू टाइम ऐसे फंड्स में लमसम का विंडो क्लोज होता है और कई बार फिर से ओपन हो जाता है। ये ऐसे स्थिति में होता है, ऐसे ऐसे फंड में कुछ ज़्यादा रिडम्पशन होता है, कुछ हेड स्पेस मिलता है, तब वहाँ पे फंड मैनेजर लमसम के लिए विंडो ओपन कर देते हैं और जैसे ही हेड स्पेस पूरा कवर हो जाता है, फुल हो जाता है, तो वहाँ फिर से लमसम को सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये अधिकतर इंटरनेशनल फंड में देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इंटरनेशनल फंड में पैसा लगा रहे और वाकिफ हो गए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साइड से जो मैक्सिमम लिमिट है इंटरनेशनल इक्विटी में पैसा लगाने का, हम उसके काफ़ी आसपास है। और ऐसे स्थिति में सेबी ने यहाँ पे हर AMC को वार्न किया है कि आप इंटरनेशनल इक्विटीज़ में पैसा नहीं ले सकते हैं, अगर लेते भी हैं तो उसके कुछ कंडीशंस हैं और हर एक AMC इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। ऐसे भी हैं, जब मार्केट में गिरावट होगा और जब रिडम्पशन का प्रेशर होगा ऐसे फंड्स में, तब जाके यहाँ पे लमसम का विंडो ओपन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, SBI कॉन्ट्रा फंड की बात करते हैं। ये म्यूचुअल फंड अधिकतर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे रहा है। कई ऐसे इन्वेस्टर का ये भी कहना है कि जो ये अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, कब तक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है और क्या अभी भी ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ हम बने रह सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि कभी ऐसा समय आए और ऐसे फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो जाए। तो देखो, कोई भी फंड का कुछ भी गारंटी नहीं है कि आने वाले 2 साल में अच्छा पैसा बना के देगा, या 3 साल में, या 4 साल में, या 5 साल चलेगा। तो ऐसी स्थिति में देखो, हम आंख बंद करके किसी म्यूचुअल फंड पे भरोसा नहीं कर सकते। हम जब तक पैसा बन रहा है, हमारे पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट है वैसे फंड का, हमारा जो रिस्क कैपेसिटी है वैसे फंड के लिए सूटेबल है, तब तक हम ऐसे फंड को जगह दे सकते हैं। फिलहाल देखो, अगर मैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 40% के ऊपर का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड ने हर एक फंड को बीट किया है और 36.82% का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न दिख रहा है। पिछले अगर 3 साल का रिकॉर्ड देखूं तो पिछले 3 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी में नंबर 1 के रैंकिंग को मेंटेन किया है, जो कि रिटर्न की फिगर की बात करें तो 33% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिला है। वैसे ही कैटेगरी एवरेज में अगर देखोगे रिटर्न तो 26.37 के करीब में है। अगर मैं 5 साल का आंकड़ा देखूँ तो 5 साल और 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन ये कब तक आंकड़ा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल देखो, अगर मैं आपके सामने इस फंड का पूरा लेखा जोखा रखूँ, अगर मान लो ये फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा कमज़ोर भी होता है अपनी कैटेगरी में, लेकिन ऑन द एवरेज अगर आपको 16-17% का रिटर्न मिल रहा है, तो भी आपको ऐसे फंड्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अगर मैं 2021 से अब तक का आंकड़ा देखूँ, क्वार्टर टू क्वार्टर पूरा इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस का पूरा आंकड़ा चेक करूँ, तो कम से कम 4-5 क्वार्टर में ऐसा देखने को मिला है कि ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट नहीं किया है। बाकी हर एक क्वार्टर में इसने इन्वेस्टर को काफी खुश किया है। इट मीन्स कि बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट किया है और रिटर्न अच्छा ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इस म्यूचुअल फंड का मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर की बात करूँ, जी हाँ, मार्केट कैप स्ट्रक्चर को देखूँ, तो आप देख सकते हो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है वो मल्टी कैप जैसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि लार्ज कैप में 44%,
मिड कैप में आपको यहाँ पे 29% के ऊपर और स्मॉल कैप में 15 से 16% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। ये तो बात तय है कि ये म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अगर खराब भी होगा 16 से 17% का रिटर्न देखने को मिल सकता है ड्यू टू जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। और देखो अगर कभी परफॉर्मेंस खराब भी होता है तो हम उस समय देखेंगे एग्जैक्टली क्या रीजन है और उसके बेसिस पे हम रिव्यू कर सकते हैं और कोई डिसीजन ले सकते हैं। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।